तो शायद हम रात तक पहुँच। बड़वानी जिले के अंजड थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन के दौरान खदान धंसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। शवों के निकलने के बाद परिजनों में आक्रोश है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जिले के छोटा बड़दा में करीब 11:30 बजे बालू रेत खदान धंसने से 5 मजदूर उसमें दब गए। मजदूरों के दबने से गांव में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना जब पुलिस और प्रशासन को मिली तो पूरा प्रशासन मौके पर पहुंच गया। रेत खदान में दबकर प्रभु रामदास कोहली, लल्लू बाबू कोहली, परसराम मायाराम कोहली, राकेश रमेश मानकर और लखन धुरजी मानकर की मौत हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस जल्दी मौके पर नहीं पहुंची। मृतकों के शव निकलने के बाद घटना स्थल पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ये रेत भरने आए थे, ये खदान की दब गए। ये खदान में किनकी थी खदान? ये शंकर पाई, वो इसके गणेश पटेल की। कौन है ये? यादव। कहाँ रहते हैं? ये यहाँ बड़दा। तो ये क्या काम करवाते थे? ये हाँ, ये रेत भरवाता था। कब से करो? बहुत दिन से। रोज यही काम? रोज ये धंधा है इनका। अभी ये जब हादसा हुआ तो वो कहाँ है? ये घटना के बाद भाग गया क्या हुआ? हाँ वो तो भाग गया। उसमें बचाने की कोशिश नहीं नहीं करी? वो तो बहुत भाग गया, वो तो ये खदान गिरी के वो तो भाग गया। थाना अंजड़ क्षेत्रांतर्गत नर्मदा नदी के किनारे गाँव है छोटी बड़दा। यहाँ पर नदी के किनारे मिट्टी का बहुत बड़े टीले हैं और इस टीले के नीचे रेत थी। इस रेत को निकालने के लिए 5 लोग आ जाए थे तो उसकी वजह अचानक वो धंस गई है मिट्टी की खदान। सर अवैध खदान लोगों की मृत्यु हुई है। बताया जा रहा है कि यह जो कार्य है ये अवैध खदान है। सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुँच गए। सर लोगों की मौत होती है तब थोड़ी हलचल होती है, फिर वापस इनका काम शुरू हो जाता है, तो क्या करेंगे इस मामले में? जब घटना घटित होती है तो निसंदेह प्रशासन सक्रिय होता है और कार्रवाई करता है। इस प्रकरण में भी निष्पक्ष और वैधानिक कार्रवाई। सर कुछ दिनों बाद फिर से वापस ये काम शुरू हो जाता है, आप समय से सूचना देते रहें, हम कार्रवाई करते हैं। हम लोग इस मौके पर आए हैं और ये देखा है तो ये सूचना सत्य पाई गई और इसमें कार्रवाई की। सर खदान अवैध है कि वैध है? क्योंकि ये शासकीय ज़मीन है तो जहाँ तक जानकारी है ये किसी को अलॉट नहीं थी। सर जैसे नर्मदा क्षेत्र से लगे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह की बातें नॉर्मल है, आम बात है, तो प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए जहाँ भी सूचना प्राप्त होती है हम लोगों ने पर्याप्त प्रकरण भी बना है अवैध परिवहन की, अवैध उत्खनन की, तो ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई हो रही है इसमें। आप चाहें तो हम फिगर्स बारे में शेयर कर सकते हैं। सर न्यायालय और NGT के द्वारा रोक लगाई गई है बावजूद इसके धड़ल्ले से चल रही है? देखिए जितना भी हम लोगों ने प्रयास किया है और बहुत से प्रकरण बने भी हैं, जैसा मैंने कहा है कि आपसे हम फिगर शेयर कर लेंगे, कितना हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में कितने प्रकरण परिवहन के बने, कितने उत्खनन के बने, तो लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा? आगे भी हम लोग अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई करेंगे। सर इन्हें कोई कंपनसेशन दिया अभी विचार करेंगे।